सुप्रभातम दोस्तों, हूँ छूँ डॉक्टर महेश दाफड़ा। मित्रों, एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चैनल मध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भणी लीए ए उपक्रम लई अने आपनी समक्ष हूँ आवी रह्यो छूँ। दोस्तों, आज ये उपक्रमनो 719मो दिवस है, एटले के 719मो एपिसोड आपनी समक्ष प्रस्तुत थवा जई रह्यो छे, एनो मने खूब विशेष आनंद छे। मित्रों, एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल माध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भणी लीए ए उपक्रम बनी रह्या छे, अने एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल माध्यम थी दर रविवारे करंट अफेयर्स एने के ताजेतरनी घटनाओनो विडियो अहींयाथी प्रस्तुत करवामां आवे छे। मित्रों, खास याद रखो, जे विद्यार्थीओ स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा है एवं विद्यार्थियों सुधी आ वीडियो पहुँचाड़ी आप पण आ यज्ञ कार्यना सहभागी बनशो एवी हूँ आपनी पासे अपेक्षा राखू छू। मित्रों, ए वीडियो वधुमां वधु जे विद्यार्थी दोस्तों स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा है एवं विद्यार्थियों सुधी दर रविवारे अहींयाथी प्रस्तुत थतो करंट अफेयर्सनो वीडियो एवं विद्यार्थियों सुधी पहुँचाड़ी आप पण आ पुण्य कार्य में सहभागी बनशो एवं अपेक्षा राखू छू। दोस्तों, एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल माध्यम थी आ बने उपक्रम, एक चालो थोड़ू अंग्रेजी भणी लीए, बे करंट अफेयर्स। मित्रों, आ बने उपक्रम जो आपने पसंद आता हो तो आ चेनल ने एटले के एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करशो अने सब्सक्राइब कराशो एवं हूँ आपनी पास अपेक्षा राखू छू। चलो दोस्तों, आज अभ्यास शुरू करता पहला एक सरस मजा सुविचार हूँ आपनी समक्ष पठन करवा जा रह्यो छू। मित्रों, आज सुविचार कंक आवो छे, यू मे नेवर बी गुड इनफ फॉर एवरीबडी बट यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट फॉर समबडी। यू मे नेवर बी गुड इनफ फॉर एवरीबडी बट यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट फॉर समबडी। मित्रों, तमे कदाच दरेकने माटे सारा ना होई शको, तमे कदाच दरेकने माटे सारा न होई शको, पण कोईक माटे तो विशेष सारा हशो। तमे दरेक माटे सारा न होई शको पण कोईक माटे तो तमे सारा हशो हशो हशो। यू मे नेवर बी गुड इनफ फॉर एवरीबडी बट यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट फॉर समबडी। मित्रों, कोईक माटे तो आपणे सारा हशू ज, એવી સરસ મજાની વાત સાથે આપણે આપણા આજના અભ્યાસક્રમમાં આગળ વધીએ। તો દોસ્તો, આપણે જે ભણી રહ્યા છે એ ભણી રહ્યા છે આપણે મિત્રો ક્વેશ્ચન ટેગ્સ, જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર શું કહીશું, અનુપ્રશ્નો કહીશું, અથવા તો ઉછળિયા પ્રશ્નો, અનુપ્રશ્નો અથવા તો ઉછળિયા પ્રશ્ન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। ક્વેશ્ચન ટેગ એને કે અનુપ્રશ્ન યા તો ઉછળિયા પ્રશ્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ। મિત્રો, સામાન્ય રીતે કોઈ વાતચીતમાં આપણી ભાષામાં જ્યારે કોઈ પણ વાત થતી હોય તો એ વાતનું સમર્થન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સામાવાળા પાસે એ વાતનું સમર્થન મેળવવા માટે આપણે વાક્યના અંતે એક ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ છીએ। જેવી રીતે ગુજરાતીમાં બરાબર ને, સાચું ને, खरु ने, आज क्वेश्चन है ये अपने गुजराती में अनुप्रश्न तरीके ओळखीए छीए, अने अंग्रेजी अंदर क्वेश्चन टेग अथवा तो टेल क्वेश्चन तरीके अपने ओळखीए छीए। मित्रों, आज क्वेश्चन टेग है ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ज वपराय छे, ए पण आपणे आगळ वात करी थी। मित्रों, अनुप्रश्न केवी रीते बनावा एना विधिवत नियमों, हकार वाक्य तो नकार वाक्य बनाव, नकार क्वेश्चन टेग बनशे, नकार वाक्य हे तो हकार क्वेश्चन टेग बन सपे जुदा जुदा अपने उपयोगों पर अभ्यास करो। मित्रों, पची जुदा जुदा काल प्रमाण के क्वेश्चन टेग बने विषय बात करते अपने सौ प्रथम सादो वर्तमान कर लीधो तो, त्यार पछी अपने सादो भूतकाल वाक्यों ने जोया था, त्यार पछी सादा भविष्य कालना, त्यार पछी चालू वर्तमान कालना, चालू भूतकाल वाक्यों अपने अभ्यास में लई लीधा है। मित्रों, अत्यारे जे आपणे भणी रह्या छीए ए छे आपणे पूर्ण वर्तमान काल, એને કે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ,
पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। एना वाक्य विषय आपणे वात करीए छीए मित्रों। मित्रों पूर्ण वर्तमान काल विषय आपणे गई काले पण वाक्य लीधा हता, आपणे समजवानी कोशिश करी हती कि पूर्ण वर्तमान काल में क्वेश्चन टेक केवी रीते बने छे। दाखला तरीके आज आपणे एक्जाम्पल लईए, ही हेज गॉन, ही हेज गॉन। दाखला तरीके आ वाक्य छे पूर्ण वर्तमान काल नु, ही हेज गॉन, तो आनु आनु क्वेश्चन टेक नकार बनशे। अपना गाँव नियम में जोयु छे हेजंट ही, ही हेज गॉन, हेजंट ही, हिनी जगह अपने कोई नाम राखी। दाखला तरीके राजेश हेज गॉन, तो अहीं पण राजेश की जगह अपने हेज छे तो हेजंट, अने राजेश नु सर्वनाम अपने हेजंट ही। अहीं राजेश की जगह कोई छोकरी नु नाम होय, दाखला तरीके राधिका, राधिका हेज गॉन, हेजंट शी, राधिका हेज गॉन, हेजंट शी। अहीं ही छे, ही हेज गॉन, हेजंट ही, अहीं ही छे तो ही, पण अहीं कोई नाम होय तो एनु अहीं सर्वनाम मूकवुं पड़े छे। मित्रों अहीं तमे जोई शको छो ही हेज गॉन आकार वाक्य छे, तो एनु क्वेश्चन टेक नकार बन्यो छे। अहीं पण राजेश हेज गॉन आकार वाक्य छे, तो एनु क्वेश्चन टेक पण नकार बन्यो छे। मित्रों जो हकार वाक्य होय तो क्वेश्चन टेक नकार बने छे। आ वस्तु आपणे चोक्कसपणे आ बे वाक्यमांथी आपणे जोई लेशुं, शीखी लेशुं। मित्रों फरी एकवार थोड़ू भणीए पण सारू भणीए। मित्रों भले बे ज वाक्य भण्या छे आजे, पण आ बे वाक्य छे आ वीडियो सतत जोवाथी सांभळवाथी चोक्कसपणे आ बे वाक्यो आवडी जशे एवी अपेक्षा राखुं छुं। मित्रों हूँ जो भणावु छू ए मारा ज्ञानी मर्यादा अनुरूप भणावु छू, संभव छे कोई क्षति होय तो चोक्कसपणे कोई सारा व्याकरण ग्रंथों दोस्तों अभ्यास अवश्य करजो, परंतु सतत अंग्रेजी मय रहेवू पड़शे तो ज आपणने अंग्रेजी आवडशे। मित्रों फरी एकवार एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनलने सब्सक्राइब करशो अने सब्सक्राइब कराशो तो मने एक जातनुं बळ मळी रहेशे। चलो दोस्तों फरी पाछा काले मळशुं नवी वात साथे, नवा वाक्यों साथे, नवा विचारों साथे। त्यां सुधी भारत माता की जय।